हेलो फ्रेंड्स, रेस टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूँ शिफूज ऑर्बिट अवर अर्थ एंड इंटरेक्टिव ग्लोब को। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये आप अपने बच्चों के लिए एज ए गिफ्ट या फिर एक एजुकेशनल गिफ्ट भी बोल सकते हैं आप। इसको मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा स्मार्ट ग्लोब। दोस्तों, ये सिर्फ एक सिंपल ग्लोब नहीं है। इस ग्लोब के हर रीजन के ऊपर एक स्मार्ट कोड है, जिसको जब आप अपने मोबाइल से या टैबलेट से स्कैन करेंगे तो वहाँ की फुल इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल या टैबलेट में आ जाएगी, वो भी 3D में। और उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कैसे आपको आगे पता चलेगा। ये इसके साथ में हमें एक पासपोर्ट मिला है। इस पासपोर्ट में आपको अपने बच्चे की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ताकि आपके बच्चे को पता चल सके पासपोर्ट क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों, ये आपके बच्चे का पहला वर्ल्ड टूर होने वाला है, ये आप जान लीजिए। फ्रेंड्स, पासपोर्ट के पेजेस कुछ इस तरह से होंगे। राइट साइड में माय फेवरेट प्लेसेस और नीचे में फ्लैग लगाने की जगह है। लेफ्ट साइड में स्टैंप लगाने की जगह है। स्टैंप और फ्लैग आपको कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे माय फेवरेट प्लेसेस में आपको स्कैन करके उस कंट्री को जिसका आपने फ्लैग लगाया है उसके बारे में लिखना है कि आपको वहाँ पे क्या क्या अच्छा लगा, उस कंट्री में आपको क्या क्या अच्छा लगा। तो ऐसे ये सारे पेजेस हैं, आपको वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है और उसके आपको डिटेल्स आपके बच्चे के साथ में इस पासपोर्ट में लिखने हैं, ताकि आपका बच्चा भी नॉलेज गेन कर सके और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। ये इसके साथ में हमें क्विक स्टार्ट गाइड मिलेगा। इसको पढ़ के हम जान सकते हैं कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है और हमें इसमें क्या क्या मिल सकता है। इसके साथ में हमें ये प्रिपेयर फॉर टेक ऑफ बुक मिलेगी। इसमें ये हमें कुछ बोर्डिंग पास मिलेंगे, ये सब एज ए स्टिकर हैं। और ये पीछे कंट्रीज़ के फ्लैग्स मिलेंगे, इन फ्लैग्स को हम पासपोर्ट पे यूज़ करेंगे। ये सारे स्टिकर्स हैं और ये साथ में कुछ कंट्रीज़ के स्पेशलिटीज़ के भी स्टिकर्स हैं। लास्टली हमें ये स्टैंप मिलेगी। इस स्टैंप को हम पासपोर्ट पर स्टैंप लगाने के लिए यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी सेम प्रोडक्ट ऑफर प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसको ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम मोबाइल या टैबलेट के ऐप स्टोर में जाएंगे और सर्च करेंगे ऑर्बिट ऐप को, और हमें यहाँ पे इसको ऑर्बिट अर्थ ARY प्ले शिफू ऐप को इंस्टॉल करना है। दोस्तों, हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछेगा, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है और इसको सबमिट करना है। अभी आपको अपने बच्चे का नाम, एज और उसकी क्लास इसमें एंटर करनी है। उसके बाद में आपको सिंक करना है। अभी क्या होगा, ये जो नीचे जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, कोर, एनिमल, मॉन्यूमेंट्स, इन्वेंशन, कल्चर, मैप्स, क्विजींस, मिसरीज, ओको पार्क, ये सब एक एक करके डाउनलोड होंगे और अभी आपको वेट करना है इनका डाउनलोड होने तक। दोस्तों, अभी ये सारे ऑप्शंस डाउनलोड हो चुके हैं। अभी आपको यहाँ पे कैमरा परमिशन रिक्वायर्ड को एलो करना है। एलो करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसी पिक्चर आ जाएगी। अभी कैमरा आपका ओपन हो चुका है इस ऐप में, और सबसे पहले आपको ये जो पिक्चर दी जा रही है इसके साथ में स्टार, इसको आपको अपने ग्लोब पे सिंक करना है। जैसे देखिए, ग्लोब पे यहाँ पे ये सेम टावर है और स्टार है, आपको इनिशियली ये सिंक करना है, तब आपकी जो ऐप है ये आपके ग्लोब के साथ में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी। अभी देखिए, हमारी ऐप सिंक हो चुकी है और ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अभी आपको जिस ऑप्शन में जाना है, जैसे एक्सप्लोर, मिसरीज, क्विजबिन, ओको पार्क, टूर, जिसमें जाना है उसमें ओके करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक्सप्लोर पे चलते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पे ये स्टार आ रहा है। इस स्टार को हमें ग्लोब पे किसी भी रीजन पे किसी भी स्टार के साथ में सिंक करना है, इनलाइन करना है, तो हमारा नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इंडिया पे ही चलते हैं। इंडिया के स्टार को हम जब सिंक करेंगे तो ये देखिए, तो हमारा टैबलेट में या मोबाइल में ऐसे खुल के आ जाएगा 3D में। तो अभी एनिमल सेलेक्ट हैं, जैसे हमने क्विजीन सेलेक्ट किया तो ये क्विजींस आ गए। अभी हम अगर कल्चर सेलेक्ट करते हैं तो ये इंडिया का कल्चर्स आ जाएंगे। इन्वेंशन सेलेक्ट करेंगे तो इन्वेंशन आ जाएंगे। अगर मॉन्यूमेंट्स सेलेक्ट करते हैं तो मॉन्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो चलिए, हम एनिमल्स पे आते हैं फिर से। और यहाँ पे अगर हम, जैसे टाइगर पे मैंने क्लिक किया अभी, तो टाइगर के बारे में फुल डिटेल आ जाएगी। ये देखिए, जैसे बंगाल टाइगर के बारे में अब फुल डिटेल में बताने लग गए। तो ऐसे ही आप किसी भी मैप पे, ग्लोब पे, किसी भी मैप पे स्टार को आप सिंक करेंगे तो आपको उस जगह की फुल डिटेल आ जाएगी। और उस फुल डिटेल में भी आप जिस भी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको फुल डिटेल बताई जाएगी। तो चलिए, मैं कुछ और कंट्रीज़ पे आपको करके बताता हूँ। मैं अभी यूनाइटेड स्टेट्स के स्टार को सिंक कर रहा हूँ। ये एनिमल्स दिखा रहे हैं यहाँ के, मॉन्यूमेंट्स पे क्लिक किया, मॉन्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। तो अभी ये देखिए, एक मॉन्यूमेंट खुल के आ गया है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग।
ये यूएस की बिल्डिंग है, तो ये खुल के आ गई, अभी इसकी फुल डिटेल बता रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे आप किसी भी कंट्रीज के मॉन्यूमेंट्स या एनिमल्स कुछ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी भी कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए अब मिसरीज को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं मिसरीज में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मिसरीज मिलेंगी, आपको उनको खेलना है और सॉल्व करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ऐसे ही आपको क्विज वीज, ओको पार्क और टूर के ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए हम टूर पे चलते हैं। टूर में हमें तीन ऑप्शन मिलेंगे, एनिमल्स, मैप्स और कल्चर्स। तो चलिए हम मैप्स पे चलते हैं। तो मैप्स में हमारे सामने वर्ल्ड का ग्लोब खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम जिस भी कंट्री को क्लिक करेंगे उस कंट्री की फुल डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आ जाएगी। तो दोस्तों है ना ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट। अगर आप भी सेम प्रोडक्ट ऑफर प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसको ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।